Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही के कलाकार जो कि बॉलीवुड में काम करते हैं एक दूसरे से रिश्तेदारी रखते हैं। गुजरे जमाने में भी ऐसा था। शर्मिला टैगोर का नाम तो आपने सुना है। बस बहुत हो गया, अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मोहब्बत तो करोगी ना? मजाक 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 उड़ाते जाओ मेरी बातों का, पछताओगे। मैं किसी पैसे वाले का हाथ पकड़ लूंगी। जी हाँ, ये दरअसल गीतेंद्रनाथ टैगोर की बेटी रही। गीतेंद्रनाथ टैगोर जनरल मैनेजर थे ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में, और उनकी बीवी ईरा टैगोर, जिनका असली नाम रहा ईरा बरुआ। शर्मिला टैगोर एक बड़े जबरदस्त परिवार से ताल्लुक रखती थी। जी हाँ, कुछ परिवार बंगाली था तो कुछ असमिया, और ये महान रविन्द्रनाथ टैगोर की भी रिश्तेदार हैं। जी हाँ, गीतेंद्रनाथ जी जो कि इनके पिता रहे शर्मिला टैगोर के, वो दरअसल गगेंद्रनाथ टैगोर के पोते रहे। गंगेंद्रनाथ टैगोर एक बड़े जबरदस्त पेंटर थे। हाँ, और इसी नाते से शर्मिला टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार बन गई। हालांकि इनकी नानी लतिका बरुआ वो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई दुजेंद्रनाथ टैगोर की नाती थी। हाँ, तो मतलब शर्मिला टैगोर सिर्फ अपने पिता की तरफ से ही नहीं, अपनी माता की तरफ से भी रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी। आगे जाकर ये पता चला कि भाई देविका रानी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, शर्मिला टैगोर उनकी भी रिश्तेदार निकली। तो समझ लीजिए साहब, गुजरा जमाना था कि आज का जमाना है, रिश्ते जुड़े हुए हैं बॉलीवुड में हर किसी के हर किसी से। ऐसी और भी बड़ी जबरदस्त बातें सिर्फ पेश रही रिपोर्ट पर।